सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क डॉक्स बोले तो डाइनो ओवरऑल एक्स का। भाई नीचे, ये बॉस ने अगर मुझे स्पॉट कर लिया ना, पूरा घर उड़ा देगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये बॉस अगर मुझे स्पॉट कर दे, पूरा बेस उड़ा देगा मेरी। ये बॉस कोई मामूली बॉस नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस वाला बॉस है भाई, ठीक है। ये मुझे स्पॉट ना करे बस, मैं इंट्रो मार लेता हूँ। जो भी नए बंदे होंगे फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस वीडियो ना बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखना गाइस, ठीक है। ऑल राइट, उससे ना हमारी रीच भाई चैनल की काफी ज्यादा बढ़ती है। तो प्लीज गाइस बिना स्किप करे वीडियो एंड तक देखने की कोशिश करना यार, ठीक है। उसका तो अभी ध्यान नहीं है तो मैं कल्टी मार। वाह बेटे वाह, भाई मेरे घर के पीछे डोडोर एक स्पॉन हुआ है भाई। हाँ भाई, मेगा डोडोर एक स्पॉन। मेरा घर नहीं बचने वाला है लग रहा है गाइस। मेरे घर के सामने डिम्प्रोडॉन और मेरे घर के पीछे मेगा डोडोर एक्स बराबर। आज गाइस दोनों में से कोई तो मेरे बेस पे हमला करेगा, ठीक है। लिख के ले लो गाइस, देखना भैया देखना, मेरे बेस पे आज हमला तो होने वाला है। ऊपर मैंटीकोर विंटीकोर भी उड़ रहा है, लेकिन कोई ना, आज हम लोग हमारा परमानेंट बेस जो है ना वो यहाँ पे बना के रहेंगे। उई 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 उई, शैडो पिन संभल के भाई संभल के भाई, झटका मार के सीधा टाइनो से नीचे उतार देते शैडो मिन। शैडो मिन से थोड़ा बच के रहना है। वैसे आप सोच रहे हो वार्निंग, पिगमी कैसे यार, हर जगह पे खतरा है क्या? पिगमी नियर बाय बोल रहे वो लोग, मतलब आजू बाजू कोई पिगमी है। मैं नीचे उतरा ना तो एक गोरिल्ला स्पॉन होगा और मेरी बैंड बजा देगा। कैसे मैं दिखाऊंगा, जब हम पिग्मी टेम करने जाएंगे ना तब आपको मैं बराबर दिखाऊंगा कि कैसे गोरिल्ला स्पॉन होके मारता है, ठीक है। अभी मेरा मरने का कोई मूड नहीं है क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पे घर बना लेना है। अरे ये डिम्प्रोडॉन तो मेरे बेस से काफी दूर आ गया, मुझे नजदीक लग रहा। मैं उड़ गया था। अभी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि किसने हम पे हमला करा था। तो मैं सब पीछे मुड़ा, उसने पताड़ी ऐसा जिप करके कुछ तो छोड़ा भाई, एक शॉक वेव कुछ तो छोड़ा, लेजर बीजर पट से मेरा भाई डायनो खत्म, खल्लास, भगवान के पास पहुंच गया यार। सोचा था आज मैं घर बनाऊंगा भाई, चड्डी पे हो गया भाई, नंगा हो गया मैं तो। अबे आगे की पूरी जिंदगी मेरी यहाँ से नीचे उतरने में चली जाएगी। मैंने इतनी ऊंची जगह पे घर क्यों बनाया भाई, यहाँ से उतरते मेरी आधी हेल्थ डाउन। और जॉब करने के लिए, प्रो बनने के लिए मैंने इसमें एपीएम के मॉड भी नहीं डाला है। सो वो एचपी रिकवर कैसे होगी इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई लोग, ठीक है। बट रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, मैं ना अपना 1000 IQ यूज करेगा, ठीक है गाइस। रुको, पहले ये जो स्टेयर्स वगैरह ना इनको ऐसा भाई ठीक करने दो मुझे। अरे ये काम बाद में हो सकता है, ठीक है गाइस। देखो तुम्हारा भाई अभी अपना 1000 IQ का इस्तेमाल करेगा। अरे भाई जिंदा रहना चाहिए बस नीचे पहुँचने तक 1000 IQ यूज करने के लिए। लैग गाइस हम लोग को बचा सकता है, ठीक है। लैग जो है ना गाइस, गेम लैग वो हमको बचा सकता है। अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ और गेम लैग हो जाए, लाइक लैग, ठीक है। मेरी 60% जा चुकी है, 3060 ग्राफिक कार्ड लगा के भाई मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गेम अभी लैग होगा भाई, ठीक है। पहले हुआ करता था लैग काफ़ी तगड़ा वाला, बट अभी लैग जो है ना गाइस वो नहीं होता है गेम, ठीक है। तो देखते चलो देखते हैं, मेरा पीटी मरा है जिंदा मुझे पता नहीं। मुझे इतना पता है कि मेरा पीटी ना शायद से बेहोश भी हो सकता है क्योंकि उसने मुझे बेहोश करा था। पाप लगेगा तेरे को भाई, सिंगल मरेगा भाई। ये क्या मेरा पीछा कर रहा है क्या भाई, ये क्या मेरा पीछा कर रहा है। अबे नहीं नहीं भाई, करप्टेड सर्वाइवल यार, ये करप्टेड सर्वाइवल तो वो एबिस वाले मोड में पाया जाता है भाई। 3 बेड है गिन के मेरे पास, ये क्या मेरा पीछा कर रहा है क्या मेरे। एक तो भाई उतरते हेल्थ डाउन हो रही है, आज लग रहा है मेरे भाई बहुत ज्यादा बार पीटी बनने वाली है। मैं गया था भाई स्टोनी और वुड इकट्ठा करने,
वहां पे इसलिए गया था क्योंकि वहां पे जो पत्थर और वुड अपना जो सॉरी गाइस खांसी, गाइस खांसी हुई है भाई क्या करे, लेकिन पापी पेड़ के लिए वीडियो बनानी पड़ती है गाइस, ठीक है। ऐसी खांसी हुई फिर भी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बीच में ना भाई वो कंट्रोल नहीं कर सकते खांसी को, सो निकल जाती है गाइस, ठीक है। रुको लैग 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 होगा 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 होगा, जिंगा ला लो जिंगा ला लो, लैग 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 यार लैग ही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो कोई ना कोई ना, ठीक है। मुझे अपनी पेटी गाइस जो है ना गाइस वो यहाँ पे लूट लेनी है, पेटी में बैकअप वाला पीटी पड़ा है, बस मुझे पेटी जाके लूटना है और कुछ नहीं करना। मैं इस तरफ से जाता हूँ, उस तरफ से मेरे ऊपर ना हमला कराता हूँ करप्टेड सर्वाइवल ने, मैं इधर से जाता हूँ। ए भाई यहाँ से भी कूदना है क्या? अब भी भाई आओ, अब भाई बन गई पेटी, लैग 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 लैग, यार गेम क्यों नहीं लैग हो रहा है? यहाँ पे बीच बीच पे स्पॉन होने का कोई ऑप्शन है? मैं यहाँ पे मरा हूँ बराबर, तो बीच पे ही ये, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये बीच पे स्पॉन होने वाला कोई ऐसा रिस्पॉन पॉइंट है क्या? मैं बीच पे स्पॉन हो जाऊँगा ना गाइस तो फिर मैं अपनी पेटी लूट सकता हूँ इजीली। यार बीच 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 ये वाला है, ये नीचे ही स्पॉन कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पॉन हो जाता हूँ, ये ना मुझे नीचे भाई भाई एकदम परफेक्ट, ठीक है। चलो एकदम परफेक्ट जगह पे भाई स्पॉन हुआ हूँ मैं, ठीक है बराबर। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, वो रिपेटी मेरी, वो रिपेटी, वो रिपेटी, वो नहीं, ये तो सेकंड वाली, फर्स्ट वाली पेटी कहाँ पे है? ये नहीं है वो पेटी, अपनी फर्स्ट पेटी कहाँ पे है? ये तो अपनी सेकंड पेटी है जो स्टेगो के पास में मरा था, मुझे अपनी फर्स्ट वाली पेटी ढूंढनी है, ठीक है। वो रही मेरी फर्स्ट पेटी, पटाख से लूटता हूँ भाई, दौड़ दौड़ के बहुत ज़्यादा दूर जाऊँगा मैं, या फिर यहीं पर छुपे रहता हूँ। मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर अभी करप्टेड सर्वाइवल होगा, छुपे से ऐसा होगा, ठीक है। ये रही मेरी पेटी, अरे जल्दी लूट ले भाई, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी लूट ले, हाँ ठीक है। मेरा पीटी ट्राइब बनाया था मैंने, बनाया तो था, क्या इसमें मेरा पीटी है? योर राहुल 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 करप्टेड सर्वाइवल योर पेट्रोडॉन, अरे 3000 लेवल वाले किल्ड बाय, ठीक है चलो मर चुका है पीटी। बैकअप पीटी कहाँ पे है? ये रहा, अरे मीट नहीं बैकअप पीटी चाहिए, ओके बाहर निकालो। बैकअप पीटी के लिए बैकअप वाला सैडल, ठीक है भाई जल्दी, हाँ लगाओ लेवल अप, फटफट 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 करके, फटफट करके स्टैमिना में पॉइंट, ठीक है। मूवमेंट स्पीड फुल फ्लैश बन जाएंगे, इतने तेजी से भाई उड़ेंगे किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। हेल्थ में पॉइंट भाई थोड़े से डाल देता हूँ, चला जाओ उड़ जाओ, करप्टेड सर्वाइवल, ठीक है ठीक है। मैं आपको नहीं रहने दो, छोड़ो छोड़ो भाई, वापस से मरने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं बोल रहा था मैं आपको जाके दिखाऊँ क्या करप्टेड सर्वाइवल, फिर बाद में याद आया रहने दो भाई, पेटी बन जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे बैकअप और पीटीज चाहिए होंगे, थोड़े थोड़े बैकअप वाले और पीटीज चाहिए होंगे भाई, उसके लिए प्राइम मीट चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो अरे प्राइम मीट हो रहा गाइस, मैं बैकअप के लिए ना 4-5 पीटी और पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ताकि अगर मेरे पीटीज मर जाते हैं तो मेरे पास जो है ना गाइस बैकअप अवेलेबल हो इन पीटीज का, ठीक है। शैडो में नहीं ना, नीचे बैठा हो पानी में लेटा, पिग्मी नियर बाय, निकल, पिग्मी के नज़दीक भी नहीं जाना है गाइस, गलती से भी पिग्मी डायनो के नज़दीक नहीं जाना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। पिग्मी डायनो से ना बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, ठीक है। आई नीड नाइस वन बैकअप पीटी, 900 भाई चल जाएंगे यार, 900 100 200 लेवल जो भी लेवल है भाई दे दो दे दो दे दो दे दो, अरे होना टेम। एक और मैंने 2000 लेवल का पीटी देखा है यहाँ पे, पहले इसको क्रायो कर लूँ मैं, मेरे पास सोल बॉल पड़े हुए हैं, मैं इनको कन्वर्ट कर करके क्रायो कर लेता हूँ भाई, ठीक है। अपने डायनोस को क्रायो कर लूँगा, अरे यार इधर आना, मैंने फॉलो, अरे ठीक है बराबर हो गया, ठीक है रुको। मुझे बैकअप वाले 2-3 और पीटी चाहिए, वो कितने लेवल का है? अल्फा पीटी भी होते क्या इसमें? यार अल्फा पीटी है, इस मॉड में भी कुछ नए नए क्रीचर्स तो आए हैं। 400 लेवल नहीं यार, इतना भी लो लेवल का नहीं डेम करना है, 600 लेवल, अरे कर लेता हूँ छोड़ो, जब ज़रूरत भाई होगी ना तब यही पीटी काम आएंगे हमारे, इसको भी डेम कर लिया मैंने, रुक जाओ भाई, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी ना तब यही पीटी हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, रुक जाओ मैं इनको क्रायो करके रखता हूँ और मेरे बेस पे ना बैकअप वाले थोड़ी सी पीटी रहेंगे। इधर आ भाई, इधर आ, इधर
अनफॉलो। अरे क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, तो भाग। अच्छा वहां पे जाके बैठ गया ना, ठीक है रुको, मैं ना अपने बेस पे 3-4 पीटी बैकअप वाले जो है ना गाइस वो रख के आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बार इसमें मरने वाला हूँ, इतना तो कन्फर्म है, मैं बहुत ज्यादा बार मरने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपने बेस पे कुछ पीटी छोड़ के आता हूँ, इनकेस अगर मैं समझो मर गया अभी वापस से उसी करप्टेड सर्वाइवल से, तो यही पीटी हमारे काम आएंगे, ओके। और कुछ पीटी बैकअप के लिए मेरे इन्वेंट्री में रहेंगे, समझ लो हमारे बेस पे हमला हुआ तो ऐसा ना हो हमारे बेस पे जितने भी डायनोज है वो सारे मारे जाए। कितना लेवल है भाई, 3000 हो जाए टेम। अरे नहीं हो रहा भाई एक बारी में टेम, छोड़ो चलो फिर छोड़ो भाई, नहीं चाहिए, इसको ही पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी हमको आगे की। एक और है 900 लेवल, चल जाएगा भाई, चल जाएगा। अनफॉलो, ठीक है भाई। बैकअप वाले पीटी टेम करे मैंने अभी भाई, कितने भी पीटी हमारे मरे हमारे पास हमेशा बैकअप रहेगा, ठीक है, हमारे पास हमेशा बैकअप रहेगा कैसे हमारे पीटीज का। चलो आ जाओ, अभी घर पे जा ही रहा हूँ तो भाई रिसोर्स वगैरह ले, नहीं 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 रेन दो रिसोर्स वगैरह बाद में, रिसोर्स लेने के लिए मुझे आना तो यहीं पे है, मैं ये नहीं चाहता पिगमिन यार भाई, भाई हेलो हमला नहीं करना पहले बोल रहा हूँ। करप्टेड सर्वाइवल कहाँ पे चोमूसा पागल, करप्टेड सर्वाइवल कहाँ है, दिख तो नहीं रहा, बट मैं जाऊँगा ना तो हमला जरूर करेगा वो, ठीक है। मैं बैकअप वाले पीडी जो है गाइस वो यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बाहर, ठीक है बॉयज। दो बैकअप पीडी रहेंगे जो यहाँ पे रहेंगे, हमेशा यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इन पीडीज के ऊपर मैं सैडल भी लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि जब इमरजेंसी हो तो मैं इनको उड़ा के लेके जा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे इनके ऊपर सैडल भी है, आराम से बैठे रहना। और उसके बाद मेरे इन्वेंट्री में भी जो है ना गाइस, यार स्किन्स वगैरह पड़ी है, रुको मुझे स्किन और कॉस्ट्यूम जो है गाइस वो फेंकने दो सारे, ठीक है। इसको रिपेयर कर लेता हूँ ना, अपने गाइस कपड़ों को रिपेयर कर लेता हूँ, असेंडेड वाले हैं, एंड इसमें से थोड़े से स्किन्स भाई कहाँ फेंक दिया भाई, हाँ ये काउबॉय हैट भाई यहाँ पे लगा लेते एक, और तो कुछ स्किन नहीं है ना, काउबॉय हैट लगा लेते भाई, ठीक है चलो ओके। सो ये बैकअप वाले दो पीढ़ी हमारे यहाँ पे रहेंगे, अगर मर जाते मेरे कोई गाइस, मतलब समझ लो ये वाला पीढ़ी मर जाता है, सो मैं बेस से अपनी पेटी लूटने के लिए इन पीढ़ीज में से किसी को लेके जा सकता हूँ। मेरे इन्वेंट्री में 3 और पीटी जो है ना गाइस जो पड़े हुए, पीटी बोले तो टेराडॉन, ठीक है, जिनको मैं पेट्राडॉन बोलता हूँ। इधर नहीं जा रहे पिग्मी, कहाँ से नियर भाई, मैं हवा में उड़ रहा हूँ यार। ओह पिग्मी बी, ओ ना इट्स अ प्राइम बी, प्राइम बी से थोड़ा बच के रहना यार। और मैं थोड़ा सा ना वहाँ पे ऊपर साइड में जाता हूँ, वहाँ पे ना ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, तो मैं वहीं पे ना जो भी पेड़ वगैरह स्टोन वगैरह है वो तोड़ के वॉल्स और दूसरी सारी जो चीज़ें बेस बनाने की वो बना लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे गाइस खड़े खड़े बनाएंगे हम लोग को आज ना मेन हमारा बेस बनाना है, हमको सरप्राइज अटैक जो ना गाइस करप्टेड सर्वाइवल के द्वारा दिया गया है, वैसे भी अभी मैं नहीं चाहता और मुझे यहाँ पे सरप्राइज मिले, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे पत्थर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे स्टोन वुड काफ़ी सारा मिल रहा है। वॉल कितनी लगेगी मुझे गाइज, मैं एक काम करता हूँ, मैं 100 वॉल बना लेता हूँ, ठीक है। 100 वॉल नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मुझे वुड की कमी पड़ रही है, सो वॉल 60-70 बन चुकी है, ठीक है। वुड तो मुझे यहाँ पे सामने दिख रहा है, रुको मैं पहले यहाँ से जितना भी स्टोन है ना गाइज वो इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद वुड तोड़ने के लिए चलेंगे। स्टोन लगभग मुझे 40,000 कम से कम स्टोन चाहिए होगा अगर मुझे अपना पूरा का पूरा घर जो है ना कि वो बनाना है, और यहाँ पे रिसोर्स हार्वेस्ट करना भी जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा खतरों से भरा हुआ काम है, ये तो आप लोग ने देख ही लिया है। मैं यहाँ से काफ़ी सारा स्टोन एंड वुड और थैच सब कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ, मेरे पास लगभग पहले मैं देख लेता हूँ स्टोन कितना हुआ, 30-40,000 स्टोन में जो है ना गाइस शायद से मेरा घर ईजिली बन जाएगा, ओके। और मुझे ना घर से नीचे उतरने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा भाई, ये क्या हुआ, वो पंचे ऐसा पागल क्यों हो गया है, वो पंचे एकदम पागल हो गया है भाई, देखना पेलीगोर्निस वाइल्ड है, नहीं भाई पता नहीं भाई इतने ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से क्यों घूम रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे तो। चलो मैं अपना काम करता हूँ यहाँ पे स्टोन इकट्ठा करने का, मैंने थोड़ा वुड भी इकट्ठा कर लिया है, बट मैं एक साथ ही सारी चीज़ें बनाना चाहता हूँ भाई, ठीक है, मैं एक साथ सारी चीज़ें बना लूँगा, इसलिए मैं भाई एक मिनट रुक जाऊँ। स्टोन कितना हो गया हमारे पास, लगभग 26,000 मेरे पास स्टोन आ चुका है, मैं लगभग 40,000 स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है।
यहाँ पे स्टोन ज्यादा है, वुड के थोड़े से चार पांच ही पेड़ है, बस यहाँ पे स्टोन हम लोग को काफी सारा मिल जाएगा। चलो गाइस मैं यहाँ से स्टोन इकट्ठा करता हूँ। सॉरी भाई, इसको गलती से भी लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रुको मुझे यहाँ से हटने दो। मैं यहाँ पे स्टोन इकट्ठा करता हूँ, ब्रांटो को गलती से भी लग गया ना एक पटके में गाइस वो मुझे उड़ा देगा, तो मैं थोड़ा सा उससे दूर ही रहता हूँ। मेरे हिसाब से जितना मैंने स्टोन भाई यहाँ पे इकट्ठा करा है उतने से तो मेरा घर जो है ना इजीली बन जाएगा। अभी मैं वुड और थाज जो है ना गाइस वो इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। लगभग 30,000 स्टोन मेरे पास आ चुका है, बस अभी मुझे थोड़ा वुड और थोड़ा सा थाज जो है गाइस वो चाहिए। यहाँ पे करप्टेड सर्वाइवल का थोड़ा खतरा है और मारता भी बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से वो, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। वुड इतना कम क्यों है इस एरिया में पता नहीं है मुझे, काफ़ी कम वुड मिल रहा है, देख रहे हो। ओ गलती से लग गया भाई ब्रोंटो को, अभी ब्रोंटो मेरा पीछा जो ना चार जन्मों तक नहीं छोड़ेगा भाई, मेरे पीछे पीछे आते रहेगा भाई अभी वो, ठीक है भाई अभी मेरे पीछे पीछे आते रहेगा। रुको मैं एक काम करता हूँ, पिग्मी नियर बाय, भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई, पिग्मी नियर बाय मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। रुको मैं यहाँ पे पीछे साइड में ये वाले एरिया में जो है ना गाइस थोड़ा इकट्ठा कर लेता हूँ गाइस जाके थैच वगैरह, ठीक है। वुड तो मैंने इकट्ठा कर लिया है, बस थैच चाहिए। पीडी को फॉलो करा लेता हूँ, ठीक है, पीडी को फॉलो करा के थैच इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अगर कोई खतरा वगैरह हमारे पीछे पड़ जाता तो पीडी के ऊपर बैठ के सीधा हम लोग निकल लेंगे। हाँ बस पीडी को भी थोड़ी सी मार पड़ रही है इस चक्कर में, ठीक है। योमिया हट जा भाई साइड में, मेरे हिसाब से इतना था चिनफ रहेगा। मैं यहाँ पे ही सारे गाइस रिसोर्सेज ना बना लेता हूँ, ठीक है। रुको वेट अ मिनट, मुझे वॉल जो है ना गाइस वो और चाहिए, लगभग 80 वॉल्स। विंडो जो है गाइस वो चाहिए होगी 20 विंडोज, ये चाहिए होंगे ये चार, उसके बाद ये चार, ठीक है। और क्या क्या चाहिए मुझे, स्टोन की सीलिंग चाहिए होगी 100, डोर जो है गाइस वो चाहिए होंगे लगभग 15 डोर्स। विंडोज हम लोग ने बना लिए है, रेलिंग जो है गाइस वो हम लोग को चाहिए होगी 100। व्हाट, मैं शांति से बैठ भी नहीं सकता भाई, मैं हवा में उड़ रहा था, कहां से आके मार के चला गया भाई। करप्टेड सर्वाइवल वंस अगेन भाई, मैं आराम से शांति से बैठा हुआ हूँ, अपने सारे रिसोर्सेस क्राफ्ट कर रहा हूँ, आके पट्ट से पता नहीं क्या छोड़ रहा है वो, शॉकवेव वीकवेव पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो छोड़ रहा है लेकिन वो आसमान में, जिससे बहुत गंदी तरीके से बाढ़ बज रही है यार। रुको मुझे अपनी पेटी भाई लूटनी पड़ेगी, मेरा मर गया वो पेटी, उसने भाई अपने प्राणों की आहुति दे दी है, मुझे फटाफट से जाने दो भाई। यार कहाँ से आ रहा है यार ये करप्टेड सर्वाइवल, और ऐसी कौन सी चीज फेंक रहा है भाई जैसे सीधा पेटी बन रही है एक सेकेंड में, और मैं हवा में उड़ा होता ना मैंने किसी को गाइस उंगली करी ना कुछ करा, वो खुद से आके मुझे मार के जा रहा है यार। भाई मेरे पास कोई पावरफुल डायनो आएगा ना पहले गाइस हम लोग बदला लेंगे इस करप्टेड सर्वाइवल से, इसने काफी ज्यादा मारा है हमको। वो रही मेरी पेटी, कहाँ से मारा ए भाई, थोड़ा और ऊपर चल ले, मैंने चाहता भाई मैं और ऊपर जाता, मैं नहीं चाहता मैं मर जाऊँ उसके यहाँ, तो वापस दिख भी नहीं रहा, मेरे पेटी के पास ही है क्या, मूवमेंट में रहता हूँ मैं क्या। अरे मारा कहाँ से भाई इसने, डर लग रहा है नीचे उतरने से, ठीक है रुको। मूवमेंट में रह रहे हैं, ठीक है ठीक है, मैंने अपनी पीढ़ी की पेटी पे वो रहा, दिखा वो रहा भाई, कूद नहीं रहा, शाना देख रहे हो कितना है, कितना स्मार्ट है देख रहे हो, कूद नहीं रहा नीचे, कूदेगा नहीं भाई, इतना स्मार्ट। हाँ बेटा वो दिमाग तो लगा रहा यार ये है भाई, करप्टेड सर, ओह शिट, आ नीचे कूदा कूदा नीचे बराबर, अभी ऊपर आके देखा, चल 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 चल, तेरा तेरा भाई तेरा दिन जो है ना उभर चुके, चल भाई ऊपर आके देखा अभी, नीप करप्टेड सर्वाइवल आया बड़ा मेरे को मारने वाला, चिया मैन चले अपनी पेटी आराम से लूट लेता हूँ, उसको मैंने खाई में गिरा दिया है, खाई में ठीक है, हमारा 1000 IQ वाला दिमाग लगा के मैंने उसको खाई में गिरा दिया है बॉयज, अभी खाई की तरफ से नहीं जाना, घूम घूम के जाना है,
ताकि वो करप्टेड ओह व्हाट नहीं एम देख रहे हो गाइस एम क्या एम है भाई क्या एम है वो खाई में जब था मैं जमीन पे था तब मेरे को मार नहीं सकता था क्योंकि उसका एम नहीं था बट जैसे मैं भाई आसमान में उड़ा मैं मूवमेंट में था हमने देखा होगा मैं आगे आगे बढ़े जा रहा था सीवाल अटैक डाल रहा था बट स्टिल एक फुटके में पेटी बना दी एक फुटके में भाई मूवमेंट स्पीड बढ़ा ले अपनी यार ऐसे खतरनाक खतरनाक से डाइनो है यार यहाँ पे इसने मेरे नाक में दम कर रखा भाई सच में क्या मार रहा है भाई क्या मार रहा है भाई मैं घर बना पाऊंगा कि नहीं पता नहीं आज मेरा यार भाई इतना खतरनाक है ये करप्टर सर्वाइवल इसको अगर टेम कर डाला तो समझ लो लाइफ जिंगाला लगे अपनी ठीक है अभी ये वापस से ऊपर ना आया हो क्योंकि बैकअप वाला ये आखिरी पीटी बचा है ठीक है ये आखिरी पीटी बचा बैकअप वाला मैं नहीं चाहता इसकी भी पेटी बन जाए ओके संभल कर आई डोंट थिंक ये ऊपर आया होगा ओके आई डोंट थिंक क्योंकि वो खाई में तो खाई में से ऊपर नहीं आ सकता नहीं आया ना भाई मेरी पेटी तो आसमान में है अबे आसमान में कैसे पेटी लूटूंगा हाँ जमीन पे गिर दी प्लीज करप्टेड सर्वाइवल आना नहीं भाई प्लीज आखिरी पीढ़ी बजा बैकअप वाला भाई आना नहीं भाई आप गलती से भी भूल के भी नहीं आना अपना काम भाई वहाँ पे जाके कुछ करो जो कर रहे हो कल्टी मारते हुए ना थोड़ा सा और दूर से कल्टी मारूंगा ताकि उसका एम लगे ना उसी वाला अटैक डालते रहो इसका एम लगेगा ही नहीं ऐसा घूम के गलती मारूंगा ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने घर पे ठीक है एकदम आसमान की ऊंचाइयों से और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे रुको हाँ अभी नहीं मार पाएगा उसको मैं ट्रोल कर रहा था ना इसलिए उसने भाई अपनी पावर दिखा दी मेरे को ओके अभी अभी नहीं मार पाएगा चल आ जा भाई लेट्स गो भाई इजी पीजी बॉयज इजी पीजी चलो एकदम आसमान की ऊंचाई से अभी हम लोग हमारे घर पे चल रहे हैं तो बहुत मारा लेकिन यार उसने बहुत मारा भाई गंदी तरीके से मारा अभी घर पे ना बैकअप वाले एक दो और पीढ़ी रखने पड़ेंगे अभी तो फिलहाल के लिए मैं घर बना लेता हूँ पहले तो अपने घर के नीचे पीछे ना आ जाए कोई करप्टेड सर्वाइवर ठीक है ओके बॉयज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एंड अभी हम लोग हमारा घर बनाने का काम चालू करने वाले उससे पहले तो मैं अपने कपड़े शपड़े रिपेयर कर लूँ भाई बहुत मारा भाई उसने बहुत गंदी तरीके से पकड़ पकड़ के मारा है भाई एक करप्टेड सर्वाइवल गाइस हमारी इतनी बैंड बजा रहे तो सोचो बॉसेस कितना मारेंगे हमको ठीक है सो अभी मुझे अपना घर बना लेना है बराबर सो घर एकदम मिडल में होना चाहिए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बराबर ओके 1 2 3 4 डबल डोर 1 2 3 4 1 2 3 उधर भी तीन है क्या छूटा हुआ बराबर ठीक है चलो लेट्स गो 1 2 3 1 2 3 हाँ पीछे भी दो अरे लेट्स गो भाई डिजाइन बन गया घर का अपना घर का डिजाइन बन चुका है यार घर का डिजाइन बन चुका है रुको डबल डोर रहेगा डबल डोर ठीक है गाइस एक काम करता हूँ रुको ए एक काम करूँ क्या गाइस मैं वैसे भाई बेस बिल्डिंग काफ़ी बोरिंग काम है पता है सो मैक्सिमम बंदे जो ना गाइस इसको भाई कॉमेंट्री के साथ देखना थोड़ा पसंद नहीं करते इसलिए मैं ना फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन कर देता हूँ एक सुंदर सा गाना लगाता हूँ और आप लोग मेरी बेस बिल्डिंग देख लेना जब मेरा बेस बन के पूरा रेडी हो जाएगा तब मैं डायरेक्टली आपसे मिलता हूँ और तब जो ना गाइस मैं आपको अपना पूरा का पूरा बेस जो है गाइस वो अच्छे से दिखा दूंगा ठीक है गाइस रुको फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन करते हैं और फटाफट से आप एक खूबसूरत सा बेस जो है गाइस वो बिल्ड करके रख देते हैं ठीक है लेट्स गो बॉयज But it's too late now. I remember you and me. And how careless we were. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.
We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run we off. Hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right. We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were guys, मेरा घर ना almost complete होने को आ चुका है, but मेरे resources खत्म हो चुके हैं. इसलिए मैं थोड़ा सा ना वुड लेने के लिए जा रहा हूँ. और आपको बताइए गाइज, बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा रिस्की है भाई वहाँ पे जाना. इसलिए बैकअप के लिए दो पीढ़ी मैंने बाहर निकाल के रखे हैं. एंड अभी इस पीढ़ी के ऊपर बैठ के हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा रिसोर्सेज, खास करके वुड लेने के लिए. मुझे बस एक ही चीज़ की कमी पड़ रही है, वो है वुड भाई, ठीक है. और कुछ कम नहीं पड़ रहा. मैं इसके मूवमेंट स्पीड में इतने पॉइंट डाल रहा हूँ ना कि भाई जिंदगी में कभी भी जो ना गाइज यहाँ पे एकदम ऐसा स्लो ना उड़ पाए, फ्लैश की तरह उड़ जाए भाई ये. इसलिए इसके मूवमेंट स्पीड में ज़्यादा पॉइंट डाले मैंने. डोडोरेक्स बीडोरेक्स तो नहीं है ना आजू बाजू? आलू बिलो यार यहाँ पे. करप्टेड सर्वाइवल का रिस्क लेना है या फिर यहाँ से भाई थोड़े थोड़े छोटे छोटे गाइस यहाँ पे बस वुड वगैरह इकट्ठा करने. मैं यहाँ से जो ना गाइस थोड़ा वुड इकट्ठा कर लेता हूँ नॉर्मल, ठीक है. उधर जाऊँगा तो करप्टेड सर्वाइवल के हाथों भाई कुत्ते की मौत मारा जा सकता हूँ. इसलिए मैं यहाँ से ही चुपचाप से ना थोड़ा कम वुड मिलेगा यहाँ पे, बट मैं यही से इकट्ठा कर लेता हूँ. ये जो पेड़ है ना छोटे छोटे, इनमें कहीं ज़्यादा वुड मिलता नहीं है, बट इतना मिल जाएगा कि हमारा शायद से घर जो है ना कहीं वो बन जाए. मुझे बस वुड ही चाहिए, बाकी स्टोन जो है ना वो मेरे पास 10-12 हज़ार और पड़ा हुआ है, ठीक है. वो सामने क्या चाहिए, पिकाचू की तरह दिखा मुझे कुछ तो. रुकना गाइस, जेरबू आए शायद से सामने आ गई, रुको मुझे देखने दो, टेम कर लूँ क्या उसको. ओले मेले प्याले प्याले जेरबू आ, पैसिव टेम है, नॉकआउट करूँ तेरे को. रुक जा भाई रुक जा, पार्ट से हेड शॉट, हाँ पट से हेड शॉट. भाई लो, अरे बाप, ए ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, इधर आ इधर आ. उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा है मेरा पीटी भाई, बताओ. चलो अभी ना इतना वुड मेरे हिसाब से इनफ रहेगा. मुझे बस पानी पीने के लिए जाना है, और पानी पीने के लिए जो ना कि जाना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है साबित, इसलिए मैं इधर जाता हूँ पानी पीने के लिए, ठीक है. पानी पीते हैं फिर. हमारा घर जो है ना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, छत का काम बचा हुआ है, बाकी सब काम हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है. ओनली छत का काम जो है गाइस वो बचा हुआ है यहाँ पे, वो कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद हमारा घर बन के रेडी. डुबकी मार के पानी पी लेता हूँ, ठीक है भाई. पानी तो पी लिया मैंने, पीटी इधर आ. चलो लेट्स गो बॉयज, अभी घर पे चलते हैं आराम से और घर का काम कंप्लीट कर लेते हैं. मैं आपको मेरा घर दिखा देता हूँ, ठीक है प्यारा सा, देखना भाई, ठीक है. कहाँ पे, अच्छा वो आगे वाले बड़े से पत्थर पे है ना अपना घर, ये देखो गाइस, ठीक है. ये रहा हमारा प्यारा सा घर, लोड हो रहा है लल्लू करके. ये देखो गाइस, ये रहा हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा घर, ठीक है. इसको मैं अनफॉलो कर लूँ पहले तो, ठीक है.
यहाँ से हम लोग ऐसे अंदर आएंगे, दोनों तरफ से ना ऊपर जाने के लिए मैंने अंदर से रास्ता रखा है। सो यहाँ से अंदर की तरफ से हम लोग ऊपर आ सकते हैं, और ऊपर आने के बाद ये छत का काम जो है गाइस वो खाली बचा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे बस अभी छत लगानी है, डेकोरेशन वगैरह का भी काम है, वो तो हम लोग कर लेंगे यार बाद में, उसका कोई ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस मुझे सीलिंग लगा देनी है। सीलिंग लगाने के बाद ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ऊपर छत पे जाने के लिए रास्ता कहाँ से बनाऊँ, मे बी यहाँ से, या ये सही रहेगा, ठीक है। मैं इस तरफ से भाई छत पे जाने के लिए रास्ता बनाऊँगा दोनों साइड से, ठीक है। सिंपल एक ये लगा देंगे यहाँ पे सीलिंग, एंड स्टेयर से जो है ना जिसको कनेक्ट कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। हमारा जो है ना पहाड़ी के ऊपर प्यारा सा घर, और यहाँ पे ऊपर हम लोग को क्रॉप प्लॉट्स वगैरह जो भी चीज़ें लगानी है वो हम लोग लगा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इस वाले मॉड में, ठीक है, अगर आप घर बनाते हो और घर बना के उसको शील्ड से भी ढक लेते हो, ठीक है, फिर भी आपका घर सुरक्षित नहीं है। 1 2 3 4 कितना है भाई यहाँ पे, 1 2 1 1 2 3 4 5 तीन रहेगा ना, 5 15 टोटल चाहिए होंगे क्रॉप प्लॉट्स बस, ठीक है। घर अपना जो सुरक्षित है ना, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि इसमें जो बॉसेस है वो इतने खतरनाक है कि आपकी टेक वाली शील्ड भी अगर आप लोग लगा देते हो तो वो भी तोड़ के आपका घर पूरा उड़ा देंगे, इतने खतरनाक वाले बॉस इस वाले मॉड में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मॉड ऐसे भाई सबसे डिफिकल्ट मॉड नहीं जाना जाता है भाई, इसको सबसे डिफिकल्ट मॉड बोला जाता है गाइस यहाँ पे आर्क का, क्योंकि इसको कंप्लीट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी मुझे बस रेलिंग लगानी है, बाकी तो सब कुछ लगा के हो चुका है। ये मैंने रेलिंग्स, अच्छा रेलिंग्स बनाई नहीं थी मैंने, चलो 100 रेलिंग बना लेता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से रेलिंग लगा देनी है बस, ठीक है। ये ऊपर साइड में रेलिंग नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लगा देंगे छत पे बाद में। और अगर सोचो मैंने इतनी भाई मेहनत से घर बनाया है, कोई बॉस आके 2-3 फटकों में इसको उड़ा के चला जाए कितना बुरा लगेगा गाइस। अच्छी बात है कि अभी कोई भी बॉस ना हमारे साइड में घूम नहीं रहा, एक घूम तो रहा था बट उस बॉस ने जो है ना गाइस उतना खास कुछ हम लोग को ना दिक्कत दिया नहीं, वो भाई दूर चला गया। एक डोडोरेक्स भी घूम रहा था, वो भी भाई अभी गायब है, पता नहीं कहाँ पे वो, लेकिन वो भी फिलहाल के लिए तो गायब ही है। चलो मैं यहाँ पे ना फटाफट से इस तरीके से रेलिंग लगा देता हूँ। इधर लग गई है क्या? नहीं, इधर भी रेलिंग लगा देंगे। अरे यार ये गलत लग गई, मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा लगी है, करप्टेड सर्वाइवल से भर भर के भाई 4-5 बार मरने के बाद फाइनली मैंने अपना खूबसूरत सा घर बना लिया है। ओ यस, ठीक है। ओ भाई यार हमारी बालकनी को रेलिंग कौन लगाएगा, इसको चारों तरफ से रेलिंग लगेगी गाइस, ठीक है। इसको यहाँ पे चारों तरफ से ऐसे रेलिंग लगेगी। डायनोस वगैरह रखने के लिए भी जो ना कैसे हम लोग ने जगह बनाई है, डायनोस को हम लोग आराम से सब बाहर रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर तक कोई जो ना कैसे मारने आएगा। क्या हुआ, ऊपर रेलिंग लग गई भाई गलती से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पूरे बालकनी को रेलिंग से ढक देना है हम लोग को, आराम से इजी पीजी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डन। अबे यार ऊपर क्यों लग रही है अचानक से, ठीक है चलो ओके। देन फायरप्लेस, अरे यार फायरप्लेस तो यहाँ पे नहीं लगेंगे ना, यहाँ फायरप्लेस नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ है। फायरप्लेस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है रुको, फायरप्लेस लगा देते 2 1 2 इनके अंदर। भाई वाह, मैंने पहले से बना के रखे थे फायरप्लेस, रुको इनको तोड़ना पड़ेगा फिर क्या, एक यहाँ, उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको डिमोलिश कर देता हूँ, इससे रिसोर्सेस रिटर्न मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। चारों तरफ फायरप्लेस, मस्त आइडिया वैसे ना, इधर भी फायरप्लेस, गर्मी के मारे भाई बैंड बच जाएगी हमारी, इतनी गर्मी होगी ना इन फायरप्लेस के कारण, ये नहीं रहेगा इस, बहुत गर्मी होगी, बहुत हीट होगी, दिख कैसे रहा वैसे ऊपर से, अच्छा दिख रहा है वैसे, चलो सह लेंगे थोड़ी सी गर्मी गाइस, सह लेंगे थोड़ी सी गर्मी, चलो कोई ना, लुक अच्छा आ रहा है और कुछ नहीं, बस लुक अच्छा आ रहा है, ठीक है डन। फायरप्लेस ऊपर लग चुके हैं, इनके अंदर थोड़ा वुड वगैरह मीट वगैरह पे पकाने के लिए डाल देता हूँ, वुड डाल के, वुड तो ज़्यादा है नहीं, सो जितना है भाई उतना ही डाल देते हैं, और थोड़ा मीट कुक करने के लिए डाल देते हैं,
अनफॉर्चुनेटली मिड भी हमारे पास नहीं है ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट करके मिड वगैरह कुक करने के लिए डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये रहा हमारा प्यारा सा होम स्वीट होम, 3000 वुड है, इतना तो यहाँ पे नहीं डालूंगा भाई मैं, वरना कंगाल हो जाऊंगा, थोड़ा सा कम कम डाल देता हूँ। यहाँ पे फिश मिड कुक होगा, इसके अंदर नॉर्मल मिड कुक होगा, डन, चलो लेट्स गो गाइस। ऊपर साइड में ना, और यहाँ कुछ ना कुछ लगा ही देंगे हम लोग बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरेज रूम में सोच रहा हूँ मैं नीचे बना दूँ, यहाँ पे सीढ़ी के नीचे, ठीक है। बॉक्सेस, स्टोरेज रूम बहुत बड़ा चाहिए होगा, फाइबर चाहिए, ठीक है। स्टोरेज रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा, पता है। वो यहाँ पे रेलिंग्स लगाना भूल गया मैं, इस मॉड में इतनी सारी चीज़ें मिलती है ना गाइज, इतनी सारी चीज़ें होती है कि स्टोरेज रूम जो है ना छोटा बिल्कुल भी यहाँ पे चलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा स्टोरेज रूम चाहिए होगा। रुको, मैं यहाँ पे इस तरीके से, हाँ मेरी जी आन, लेट्स गो, ठीक है। रुको, यहाँ पे भी इस तरफ भी रेलिंग लगा देता हूँ आराम से। रुको गाइस, और थोड़ी रेलिंग बनानी पड़ेगी मुझे, मेरा घर देखना गाइस कितना खूबसूरत है, और थोड़ा अप्रिशिएट करना गाइस जो घर बनाया मैंने उसको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है, रेटिंग देना मेरे घर को। अभी भाई बनके रेडी नहीं है, रुको गाइस। अरे यार ये रेलिंग भाई ऊपर पता नहीं क्यों कनेक्ट हो जाती है, घर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अभी तक बना नहीं है, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, थोड़ी और चीज़ें कुछ करना लगाना बची हुई है, ठीक है, डन। ये ऊपर साइड बन गई है पूरी, अब बारिश भी आ रही है यहाँ पर, यहाँ से भी ऐसे रेलिंग डाल देते हैं, इसको स्टेयर्स में स्विच कर देना है फटाफट से, ठीक है। इन सबको जो ना स्टेयर्स में स्विच कर लेना है। बारिश आ रही है क्या? बारिश आ गई तो हमारा गाइस घर बनाने का काम थोड़ा बीच में रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये स्टेयर्स रहेगी, यहाँ से रेलिंग नहीं लगा रहा हूँ मैं डायरेक्टली एज से रेलिंग लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग लगा के कोई फ़ायदा है नहीं। रेलिंग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कोई डायनो या फिर मैं गलती से ना पहाड़ी से नीचे गिर के मर भी ना जाओ, इसलिए मैं हमेशा रेलिंग लगाता हूँ ताकि हम लोग हमेशा ना सुरक्षित रहे। ओके, इसको भाई आगे से कनेक्ट करना है। रुको, रेलिंग और थोड़ी चाहिए होगी, 100 शायद से, 100 नहीं 60 रेलिंग बन जाएगा, आई थिंक से 60 रेलिंग से काम हमारा बन जाना चाहिए। भाई क्या लग रहा है गाइस, घर देखना, डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन भाई बढ़िया बनाई यार, बढ़िया डिज़ाइन बनाई यार को इस बार तो। ये यहाँ पे इस तरीके से पूरा रेलिंग से कवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से भाई गलती से भी अपना कोई डायनो या फिर मैं नीचे ना गिर जाऊँ। ओके, लाइक दिस, डन, ठीक है। सो यहाँ पे बड़ा सा जो एरिया है हमारा डायनो होल्डिंग एरिया, यहाँ पे हम लोग हमारे अलग अलग तरह के जो डायनासोर्स होंगे उनको रखने का काम करेंगे। मुझे ना नीचे जाने के लिए कुछ तो भाई पाथ वगैरह बनाना है, वो कैसे बनाऊंगा वो सबसे बड़ा भाई यहाँ पे ना सवाल है कि नीचे जाने के लिए पाथ कहाँ से बनाएंगे। शायद से मैं यहीं से कहीं से नीचे जाने के लिए पाथ बनाऊंगा, बट अभी नहीं, ठीक है। उसको जो ना कैसे एकदम हैवी सिक्योरिटी देंगे, ऐसा गेट वगैरह लगा देंगे पूरा, ताकि उस पाथ से सिर्फ हम ही नीचे जाए, कोई डायनो वाइल्ड डायनो ऊपर ना पाए, ठीक है। बस डन, लेट्स गो बॉयज। ओके, बाहर से घर का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो। ओ बाय, लेट्स गो, ओपी ओपी बोल दे बॉयज। ये एरिया हमारे डायनो के होल्डिंग का एरिया, यहाँ पे हमारे सारे डायनोसोर्स रहेंगे, ठीक है। ये जो इतना बड़ा खुला एरिया है, यहाँ पे हम लोग डायनोज रखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग डायनोज रखेंगे, हमारे इधर भी हम लोग डायनोज रखेंगे, छोटे छोटे डायनोज होंगे वो यहाँ पे रहेंगे या फिर हमारे घर के पीछे साइड में रहेंगे या फिर इधर रहेंगे। सो डायनोज को रखने के लिए हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया जो है जो यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो बना लिया भाई, ठीक है। लाइक ऐसे देखो, ये पिटीज को हम लोग ऐसे पार्क करके रख सकते हैं इस वाले एरिया पे, ठीक है। जैसे उसको वहाँ पे रखा है, सेम देखो इसको भी लेके जाएंगे और वहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से जो हमारे डायनोज है उनको हम लोग यहाँ पे ऐसे पार्क करके आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइक दिस, तड़ा, ठीक है। चलो अभी मुझे फाइबर चाहिए, मुझे स्टोरेज वेरेज रूम जो है वो बना लेना है, तो मैं नीचे से फाइबर लेके आता हूँ। आलू बिल्लू सोरस से क्या चाहिए, अभी भूख लगी है। खाने के लिए मेरे पास कुक्ड मीट तो है, रुक जाओ गाइस ये खा लेता हूँ मैं। खतरा तो नहीं ना नीचे, भाई उतरने से पहले चेक करना पड़ता है यार, ठीक है। सिकल वगैरह है मेरे पास,
अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मुझे फोर्ज वगैरह भी बनाने यार, मैं तो भूल गया, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और बनानी है। ये डिलो हमारे ऊपर बस हमला ना कर दे, ठीक है। मुझे स्टोरेज बॉक्सेस काफ़ी सारे बना लेने, ठीक है, बहुत सारे स्टोरेज बॉक्स बनाने। ये डिलो मेरे ऊपर हमला ना करे बस भाई, ठीक है। ये डिलो ने हमला करा ना, एक फटके में मारा जाऊँगा मैं, और मेरा डायनो भी। ये कोई नॉर्मल डिलो नहीं है, और स्टार वाला डिलो है। थोड़ा संभल के भाई, 3-4 हज़ार भाई यहाँ से फाइबर उठा के मैं सीधा कल्टी मार लेता हूँ। ये अचानक से स्पीड पकड़ लेगा आपने पता, कर इसको मारने का मन करे तो। अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर मार रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 3000 लगभग फाइबर में इकट्ठा करता हूँ, और यहाँ से सीधा कल्टी, ठीक है। 2500 इकट्ठा हो चुका है, 500 मोर भाई। थोड़ा सा और रुक जा भाई, हमला नहीं करना। 700, ठीक है, 800, 200 और भाई, 200 और, 900, 3000, चलो लेट्स गो। इतने से स्टोरेज भाई रूम हमारा बन जाएगा। अभी स्टोरेज रूम जो है ना गाइस, वो भी थोड़ा सा ना मैं अच्छे से बनाता हूँ, वरना हमेशा ना भाई हमारी चीज़ें ना इधर उधर भाई मिक्स हो जाती है और मुझे मिलती नहीं है। तो इस बार ना अच्छे से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बॉक्स ओके, एक्सेस वाले 100 बन रहे, 20-30 बस इतना इनफ है। इनको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर, हाँ 6 लग रहे हैं। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगेगा, साइन बोर्ड पे क्या लिखा होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 साइन बोर्ड रहेंगे यहाँ पे। इस वाले एरिया में जो भी सामान हम लोग लगाएंगे वो रहेगा, मतलब यहाँ पे जो भी रखेंगे वो रहेगा आर्मर। यहाँ पे खाली आर्मर लगाना है, ठीक है। रुक जाओ हम, यहाँ पे रहेगा अपना आर्मर एंड कहाँ पे आर्मर एंड सैडल, ठीक है, आर्मर एंड सैडल। यहाँ पे आर्मर एंड सैडल रहेंगे, ठीक है। देख रहे हो कैसे अच्छे से बना रहा हूँ मैं इस बार ना, अच्छे से बना रहा हूँ, एकदम अच्छे से भाई, ठीक है। यहाँ पे रहेंगी आर्मर और सैडल्स, वहाँ रहेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, अदर आइटम्स ओके। और यहाँ पे बॉस आइटम रहेंगे, ठीक है। रुक जाओ गाइस, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बॉस आइटम्स भाई, ठीक है। टेमेबल वाले काफ़ी सारे बॉसेस मिलते हैं यहाँ पे, सो ये बॉसेस यहाँ पे रहेंगे टेमेबल वाले। या बेड किसने लगा बीच में ब्रे हो, इसको हटाओ, ठीक है। बेड में फटाक से लगा देता हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेड भाई ज़्यादा टाइम तक यहाँ से निकल के नहीं रखने, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे रहेंगे अपने, ठीक है, स्पेशल आइटम्स भाई, ठीक है, स्पेशल आइटम्स कुछ मिलते हैं बॉस वगैरह आइटम्स जो होते हैं ना स्पेशल वाले, वो रहेंगे। अच्छा तो लग रहा है भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया सा लग रहा है। ओके रुको भाई, तुम्हारा भाई जब अच्छे से मेहनत करके घर बनाना चालू करता है ना, तो एकदम बढ़िया वाला ही घर बन के भाई रेडी होता है हमेशा भाई। गाइस हमेशा एक बढ़िया वाला ही घर बन के रेडी होता है, देखना। अभी अपन सारा सामान जो है गाइस अच्छे से यहाँ पे लगा के रख पाएंगे, जो सामान हमको रखना है। स्पेशल आइटम्स हो गया, टेमेबल बॉसेस हो गए, अदर आइटम्स बोले तो यहाँ पे स्टोन वगैरह वो सारी चीज़ें रख देंगे हम लोग, ठीक है। नीचे वाला फ्लोर तो कंप्लीट है। बेड लगाने भूल गए हम लोग, बेड बस भाई इतने भी नहीं, हाँ नहीं 10, 12, 15 बना लेता हूँ बेड, 16 इनफ है, ठीक है। बेड्स भाई 1, 2, 3, 4 अभी इसके अंदर ग्लिच करा के लगा देंगे भाई सारे के सारे बेड, डन, ठीक है। बेडरूम भी अपना रेडी है, स्टोरेज रूम भी हमारा रेडी है, फोर्ज भाई फोर्ज लगाना बाकी है, सारी चीज़ें बना लेंगे यार आज ही, सब कुछ भाई हमारा कंप्लीट होना चाहिए। फोर्ज बनाने के लिए स्टोन चाहिए भाई, स्टोन खत्म हो गया मेरा भाई, हेलो। और ये कॉमेडी में फोर्ज कहाँ पे लगाएंगे, फोर्ज इस कोने में लगा देता हूँ ना, यहाँ पे फोर्ज लगा दूंगा, इजी पीजी बॉयज, ठीक है। मुझे स्टोन भाई थोड़े से चाहिए होंगे,
मैं लेके आ जाता हूँ। मुझे पता नहीं गाइस वीडियो कितनी लंबी बन रही है, बट मैं अच्छे से घर बनाना चाहता हूँ अपना, ठीक है। आपने भाई पूरा घर तो देख लिया, बाहर से भी देख लिया गाइस अपना पूरा घर, अंदर से भी देख लिया स्टोरेज रूम वगैरह हमारा, ठीक है। अभी मुझे थोड़े से फोर्ज बनाने के लिए ना यहाँ पे स्टोन्स चाहिए, तो मैं यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ, रुको फोर्ज वगैरह लगा दूंगा। और इसमें इसका भी एक अपना फोर्ज होता है, वो भी बना लेना है मुझे। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है मुझे पता नहीं, बट इनका क्या बोलते हैं डॉग्स का, डायडो और लेग्स का ना एक फोर्ज होता है, जो बनाने के लिए हम लोग को काफ़ी सारे अलग अलग रिसोर्सेज तो चाहिए होते हैं, बट मेरे हिसाब से वो रिसोर्सेज मेरे पास पड़े हुए होने चाहिए। क्रिस्टल वगैरह चाहिए होते हैं मेरे पास, क्रिस्टल शायद से पड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ। चलो डॉग्स वाले भी फोर्ज बना लेंगे हम लोग, 8000 स्टोन इनफ रहेगा मेरे हिसाब से। चलो चलते हैं। कैसे लग रहा है वैसे घर गाइज हमारा? घर को रेटिंग जरूर देना गाइज, 1 से लेकर 10 तक रेटिंग देना है। 1 मतलब गाइज एकदम घटिया भाई, 10 मतलब भाई एकदम बढ़िया भाई, एकदम ओपी ओपी भाई, ठीक है। सो रेटिंग जरूर देना मेरे इस प्यारे से घर के लिए, जो स्टोरेज रूम वगैरह हम लोग ने बनाया है उसके लिए, और नीचे रेटिंग जरूर से दे देना गाइज, ठीक है। फाउंडेशन मेरे पास पड़ी हुई होनी चाहिए, 553 फाउंडेशन है यार, फाउंडेशन की तो कमी नहीं है। ये अपना जो ना फोर्ज वाला एरिया होने वाला बराबर, ये ऐसा क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फोर्ज वगैरह लगेगी अपनी, स्टेयर्स स्टेयर्स भी मेरे पास बनी पड़ी है। अरे स्टेयर्स कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, ये रही, ओके। एंड सीलिंग लगेगी क्या यहाँ पे? ओके ठीक है, रुको मैं यहाँ पे एक सीलिंग लगा लेता हूँ, सीलिंग ये रही, बराबर बराबर भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे रेलिंग लगा देता हूँ, यार पैस लग गई मेरे को, लेकिन कोई ना, चलो सेलेंगे थोड़ा। यहाँ पे रेलिंग लगेगी, इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे रेलिंग लगेगी, इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे रेलिंग, ओ यस ब्रेव, ठीक है। अभी जितने भी फोर्ज बनाने हम लोग बना सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं थोड़े से, ये फोर्ज जो है 1, 2, 3, 4, 5 के बाद रुको 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे हमारे फोर्ज लगे रहेंगे, इनके अंदर जो हमारा मेटल वगैरह है जो भी मुझे इतने भाई समय में मिला है वो सारा पिघलाने के लिए मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे पिघलाने के लिए मैं डाल देता हूँ फोर्ज के अंदर, और मेटल गाइस मैं इकट्ठा करके लेके आऊँगा जो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास इतना ही मेटल है, तो मैंने वो पिघलाने के लिए डाल दिया वहाँ पे। और मेरे भाई कैरेक्टर को लगी हुई है टैस भाई एकदम तगड़ी वाली, सामने की तरफ घूम रहा है भाई रोडन, ठीक है। हमारे रोडन अंकल जी जो ना गाइस जो सामने घूम रहे आइस रोडन है भाई, ठीक है। इसने हमला करा तो पूरा बेस नहीं, पूरा का पूरा हमारा ये जो छोटा आइलैंड है ना वही उड़ जाएगा। चलो चलते हैं, थोड़ा पानी पी के आ जाता हूँ। एक मेन चीज़ हमारे लिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना गाइस, वो है पानी। पानी का जो ना सोर्स नज़दीक कुछ भी नहीं है, जहाँ पे मैंने घर बनाया है वहाँ पे पिग्मी नियर बाय, यार ये पिग्मी के रीज़न से अभी मैं मारा ना जाऊँ, बस सब कुछ अच्छे से जा रहा है, पिग्मी के रीज़न से मारा ना जाऊँ। चलो पानी पी लिया, अभी चलता हूँ वापस से अपने घर पे, ठीक है। लेट्स गो बॉयज, वेट में पॉइंट, थोड़े मिली डैमेज में पॉइंट, ठीक है। सो गाइज अभी जो हम लोग को घर बनाना था, जितना बड़ा घर बनाना था हम लोग ने बना लिया है। घर बना के फोर्ज वगैरह स्टोरेज रूम वगैरह सारी चीज़ें बना ली है भाई, ठीक है। कुछ मोटार्स वगैरह स्मिधी वगैरह बनाने, पर उसके लिए ना हमारा मेटल पिघलना ज़रूरी है। जब वो मेटल पिघलेगा तभी गाइज हम लोग वो दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। बाकी आपको मेरा जो घर है ना गाइज वो कैसे लगा, जो डायनर्स के लिए मैंने एरिया वगैरह बना के रखा है वो कैसे लगा, और ये स्टोरेज रूम जो खूबसूरत सा मैंने बनाया गाइज अंदर का ये वाला रूम, ये आपको कैसे लगा जरूर बताना, और रेटिंग जरूर देना मेरे घर को 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। मैं आपको मेरा आइलैंड दिखाता हूँ, ये रहा मेरा छोटा सा आइलैंड, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने अपना घर बनाया है, एकदम प्यारा सा घर।
ठीक है, सो जरूर बताना आपको मेरा घर कैसे लगा। बाकी टेमिंग वगैरह सारा काम अगले एपिसोड से चालू होने वाला है, सो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। बाकी तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय 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 लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.